और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश का ये हाथरस, कई बार इस तरह के आयोजन होते हैं जहां एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को दावत देती है। यहां भी लापरवाही जो है वो साफ देखी और महसूस की जा सकती है। इतने हजार लोग अगर यहां पे मौजूद थे तो क्या व्यवस्थाएं यहां पे थी, सवाल ये भी उठता है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पे आला अधिकारियों से बात हो और खुल के वो ये बता पाएं कि यहां आखिर इस तरह के हालात क्यों बने और इसका जिम्मेदार कौन है। सत्संग अगर हो रहा था, हर साल यहां पे होता है, तो जाहिर है आयोजन से पहले कुछ तैयारियां भी होती हैं। अगर भगदड़ मची है तो क्यों मची है? अगर यहां पे हालात ऐसे बने तो वहां पे क्या एम्बुलेंस मौजूद थी, क्या डॉक्टर्स की टीम वहां पे मौजूद थी? तो यहां अभी कई शव पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बताया जा रहा लाए गए हैं और अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि अभी कई महिलाएं बेहोश हैं, कईयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस में ये एक बड़ा हादसा है जहां सबसे बड़ी अपडेट ये कि अब तक 27 लोगों की इस हादसे में मरने की खबर है। यह सबसे बड़ा अपडेट है और यह संख्या और बढ़ सकती है जिस तरीके के हालात और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हाथरस के सिकंदरा मऊ क्षेत्र जहां पे यह सत्संग एक हो रहा था और वहां पे करीब 15,000 से 20,000 लोग मौजूद थे, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। तो इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और अब तक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 27 डेड बॉडी आ चुकी हैं, उसमें 20 महिलाएं बताई जा रही हैं, 7 बच्चे शामिल हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है। ये क्या अच्छा चल रहा है बहुत भीड़ थी भैया, भैया नीचे तो गए, बहुत पवन लगा ऊपर निकल गई, मच गई गाड़ी वाले बहुत तो इस बुजुर्ग के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बुजुर्ग महिला ने अपनों को खोया है, रो रो कर बुरा हाल है और इस तरीके के हालात कई परिवारों के हैं इस हादसे के बाद, क्योंकि इस हादसे में कई लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम साफ तस्वीरें नहीं दिखा सकते। इसमें कई महिलाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई महिलाओं का बताया जा रहा है वो बेहोश हुई, उनकी हालत बिगड़ी, कुछ की मौत की खबर भी आ रही है। 27 लोगों की मौत इस हादसे में अब तक हो चुकी है, जिसमें 20 महिलाएं बताई जा रही हैं, 7 बच्चे शामिल हैं। एक बहुत बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ, ये जहां सत्संग में भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से, दम घुटने की वजह से, गर्मी की वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया, कई लोग बेहोश हो गए, कईयों की हालत नाजुक है, कईयों की हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ की दम घुटने से मौत हो गई और यह संख्या जो है वो आंकड़ा 27 तक पहुंच चुका है। आशंका है जिस तरीके से जितनी भीड़ थी और जितना बड़ा यह हादसा हुआ, यह संख्या और बढ़ सकती है। बेहद भयावह हादसा ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जहां कई लोगों की मौत की आशंका है, करीब करीब 27 लोगों की अब तक बताया जा रहा है इस हादसे में जान गई है। इसमें 20 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। जिस तरह के हालात और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे यह समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा है और यह संख्या और बढ़ सकती है, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है और इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। तो हाथरस हादसे पर इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट और हाथरस हादसे पर SP निपुण अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी कि 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है, सैकड़ों लोगों के बेहोश होने की खबर है, दम घुटने के बाद यहां भगदड़ मची और काफी देर भीड़ रुकने के कारण अंदर लोगों का दम घुट गया। बाबा की गाड़ी निकलने को लेकर आयोजकों ने भीड़ को रोक दिया था और यहां दम घुटने की वजह से
कई लोगों की मौत हुई। एक बहुत बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ, एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त ये, और इस पर अब प्रतिक्रिया आई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आला अधिकारियों से बात करने की, कईयों से बात भी की, वो भी घटना स्थल पे पहुंच रहे हैं। तो हाथरस हादसे पर एसपी निपुण अग्रवाल का बयान आया, उन्होंने पुष्टि कर दी कि 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है, सैकड़ों लोगों के बेहोश होने की खबर है। दम घुटने के बाद यहां भगदड़ मच गई और काफी देर भीड़ रुकने के कारण अंदर लोगों का दम घुटा। बाबा की गाड़ी निकलने को लेकर आयोजकों ने भीड़ को रोक दिया था। तो ये हालात वहां पे बने थे जो भगदड़ मची, और उस भगदड़ में 27 लोगों की जान भी गई है। हालांकि ऐसा अभी चूंकि आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि मौत के आंकड़ों की नहीं की गई, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, वो परेशान करने वाली हैं, वो विचलित करने वाली हैं। तो हाथरस हादसे पर ये सबसे बड़ी अपडेट, जमीन पे लेटी इन महिलाओं में बहुत सी महिलाएं बेहोश हैं, कुछ की हालत गंभीर है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल के बाहर चीख पुकार मची हुई है। जिन्होंने अपनों को खोया उनका रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत बड़ा हादसा है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग इसकी चपेट में आए, महिलाएं उसमें ज्यादातर, बच्चे उसमें ज्यादातर। तो हादसे के लिए आयोजक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को यहां बेहतर नहीं किया। और हाथरस हादसे पर यह एक्सक्लूसिव खबर, अपडेट, जानकारी, जिसमें हादसे पर एसपी निपुण अग्रवाल का बयान आया। तो 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, सैकड़ों लोगों के बेहोश होने की खबर है। तो दम घुटने के बाद यहां भगदड़ मची, और उस भगदड़ की चपेट में भी कई लोग आए। काफी देर भीड़ रुकने के कारण अंदर लोगों का दम घुटा, और बाबा की गाड़ी निकलने को लेकर आयोजकों ने भीड़ को रोक दिया था। और जब वो भीड़ रुकी तो यहां हालात बेकाबू हो गए, भगदड़ मच गई, कई लोग इसकी चपेट में आए, महिलाएं बेहोश हुई। आयोजन की परमिशन पुलिस से ली गई थी यह भी कहा गया, और पुलिस फोर्स भी आयोजन के लिए तैनात थी। तो अब आला अधिकारी इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आयोजक अगर गलती नहीं करते तो नहीं होता हादसा, यानी अब इसका ठीकरा आयोजकों पे फोड़ा जा रहा है। हाथरस हादसे पर यह एक्सक्लूसिव खबर, जहां हादसे पर एसपी निपुण अग्रवाल का बयान भी आया, और सवाल कई उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि लाखों की जुटी भीड़ में प्रशासन के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं। तो हाथरस में हुए हादसे पर सवाल कई उठते हैं, लाखों की जुटी भीड़ में प्रशासन के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और धार्मिक आयोजन में क्या लापरवाही बरती गई, सवाल यह भी उठता है। धार्मिक आयोजन में पुलिस के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे, आयोजन के दौरान प्रशासन ने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया, और सत्संग के दौरान भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है, इस भीड़ के दौरान पुलिस का कोई प्लान क्यों नहीं था, इतनी भीड़ को लेकर पुलिस ने आखिर क्या तैयारी की थी, क्या ध्यान यहां पे दिया। अगर पुलिस से परमिशन ली गई थी तो अगर हजारों की संख्या में यहां लोग पहुंचे तो उसे व्यवस्थित करने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का कोई प्लान आखिर क्यों नहीं था, और सत्संग में भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, और सत्संग को मौत के मंजर में बदला गया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस भीड़ के दौरान पुलिस का कोई प्लान आखिर क्यों नहीं था, इतनी भीड़ को लेकर पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं इस पे दिया, और किसकी लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग बेहोश हुए, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है जो डरावनी है, जो आंकड़े बताते हैं कि हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और अभी